Ciao e tarohat. थोड़ा पीछे हंसने, थोड़ा पास खड़ा होना। सुना को अच्छा आवे सभी लोग। और तो ऐसे क्या मने के? हाँ, मैं वीडियो ले लूँगा। ओके, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म की। अगर मैं बात करूँ, डेब्यू फिल्म है और बहुत तारीफ हो रही है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी की डेब्यू फिल्म इतनी सारी बातें हैं। एंड जब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, कंगना रनावत हैं, आप हैं, तो डेब्यू फिल्म से आने से पहले अंकिता जी, ऐसी सारी बातें होती, चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूँ या मीडिया में अगर बात करूँ कि वाह बहुत ही अच्छी मूवी है, एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बींग, एज ए ह्यूमन बींग से अपने यहाँ पे प्राउड होता है। और इतने हार्डवर्क जो हमने किया है, उसका जब भी रिजल्ट ऐसे मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, तो अच्छा लगता है। बात करूँ, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो इस फिल्म के एक्टर हैं, उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि हमारे अगर इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो बहुत सारे बार उनकी क्रिटिसिज्म की जाती है, लेकिन आपने तो उनके साथ में काम किया। मुझे ऐसा लगता है वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। वो बहुत ही डिसिप्लिन कलाकार हैं। और एक एक्टर को नहीं, एक दुनिया में हर एक इंसान को बहुत डिसिप्लिन होना ज़रूरी, तभी वो सक्सेस पाता है। तो आई थिंक जहाँ आज कंगना है, वो उसी का वो एक रीज़न है जो वो डिसिप्लिन अपने लाइफ में फॉलो करती हैं, अपने काम को लेकर, जितनी वो हार्ड वर्कर है अपने काम को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। जब मैं अपना काम करती हूँ तो आई गिव माई बेस्ट, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। जब मुझे जो करना होता है वो करती हूँ, और चाहे वो सही हो गलत हो, ये मेरी रिग्रेट होगा अगर मैं गलत करूँगी तो, और मेरा ही स्टैंड होगा अगर मैं सही लूँगी तो। सो दैट्स वाई हम लोग, मैं और कंगना, बहुत अच्छे से जेल कर पाए। और काम करने में इसीलिए शायद मज़ा आया क्योंकि हम दोनों का तरीका कहीं ना कहीं एक जैसा है। जी जी जी, तो डायरेक्शन जितना तो हमने ट्रेलर में देखा, बहुत ही औसम लग रहा है। तो आप बताइए कि कंगना ने मेरे कुछ सीन्स शूट किए हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनकी मतलब शुरुआत की है एक अपने डायरेक्शन की करियर की। सो आई रियली विश हर द बेस्ट, क्योंकि आई एम श्योर आज तक उन्होंने जो किया उसमें उन्होंने सफलता पाई है, और डायरेक्शन में भी वो ज़रूर पाएंगे।